मित्रों, हम सब इस बात से परिचित हैं कि अपने अंतकाल में कोई व्यक्ति भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। चाहे जीवन पर्यंत वो व्यक्ति कितना भी पापी और दुराचारी रहा हो, परंतु अंत समय में भगवान का स्मरण करने से उस व्यक्ति का मृत्यु काल सुधर जाता है। ऐसा भी बताया जाता है कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का भाव होता है और उसके जिस प्रकार के विचार होते हैं, उस व्यक्ति का अगला जन्म उसी के आधार पर होता है। ये तो बात हो गई सामान्य व्यक्तियों की। ऐसे सामान्य जनों से परे जब एक भगवत भक्त की बात आती है तो उस भक्त का संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति को समर्पित होता है। ऐसे श्रेष्ठ भक्त का संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति में व्यतीत हुआ होता है। जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति में व्यतीत किया हो, वह अंतकाल में भी यही चाहता है कि मृत्यु के समय उसे भगवान का स्मरण हो, जिससे कि अंतकाल में उसका मनुष्य जीवन सफल हो सके। परंतु कई बार मन में ये सवाल आता है कि क्या होगा अगर हम हमारे अंत समय में भगवान को याद ना कर सके। क्या ऐसा होने पर जीवन पर्यंत की गई भक्ति विफल हो जाएगी? मृत्यु के बाद हमें भगवत प्राप्ति होगी या फिर नहीं? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम सत्कृति भी है, जिसका भी अर्थ होता है कि जो अपने भक्त के निर्वाण यानी कि शरीर त्यागने के समय में उनकी सहायता करता है। वराह पुराण में उल्लेख मिलता है, पातादि दोषेण मद भक्तो मां न च स्मरेत, अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमागतिम। अब देखिए, यहाँ पर तो पूरी की पूरी समस्या ही सुलझ गई। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि वातादि दोष के कारण मृत्यु के समय मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण करता हूँ और ऐसा करके मैं उसे परम गति प्राप्त करवाता हूँ। तो इस प्रकार यदि किसी कारणवश सच्चा भगवत भक्त अपने अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं कर पाता तो भगवान स्वयं ही अपने ऐसे सच्चे भक्त का स्मरण करते हैं और उसे परम गति प्रदान करते हैं। अतः बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि भक्ति संपूर्ण निष्ठा से की गई हो तो भक्त उसी क्षण हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाता है और उसकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए सदा ही निरंतर भगवान का नाम जपे और सदा खुश रहे। आज के इस वीडियो में हमने वराह पुराण के माध्यम से जानकारी दी कि क्या होगा यदि हम हमारे अंत समय में भगवान को याद ना कर सके। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।